Yes, Jai Hind to 11th class students. Today we study about plant cells and animal cells. Yesterday we studied prokaryotic cell and eukaryotic cell. Prokaryotic cell simple type cell, or eukaryotic cell it is complicated cell, and also plant cell and animal cell are different to each other. So we study about this type of cell. Plants or animal दोनों क्या होते हैं, दोनों के बारे में study करना है, लेकिन दोनों की जो cells होती हैं उसमें कुछ क्या होता है difference होता है, और दोनों की cells की structure हमको अच्छे से काम से पता होना चाहिए. तो this cell is a plant cell and this cell is an animal cell. Plant cell, the cell wall present in the plant cell. Cell wall is made up of the cellulose. Plant cell की जो cell wall होती है cellulose की बनी हुई होती है. Okay? But animal cell have what? Cell wall. Cell wall absent in the animal cell. Animal cell में cell wall absent होती है always हमेशा. किसी भी एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होगी. ठीक है, यहाँ पे सेकेंड सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बोथ सेल हैव सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का एक एनवेलप है, ठीक है, जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट पाए जाने वाले सेल साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गन्स को चारों तरफ से कवर करके रखती है या जो है उसको व्यवस्थित रखती है. ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है. सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड, दोनों सेल मेम्ब्रेन एक बस प्रोटीन और लिपिड्स की बनी हुई होती है. ठीक है, नेक्स्ट जो है प्लास्टिक वैक्यूल्स. वैक्यूल जो होते हैं प्लांट सेल में इस प्रकार क्या होते हैं, लार्ज वैक्यूल्स होते हैं जिनमें सेल से भरा होता है या वाटर भरा हुआ होता है. बट प्लांट से एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होती है काफ़ी शॉर्ट या स्मॉल होती है और बहुत कम होती है. ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से है कुछ सेल ऑर्गन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की जो नंबर से प्लांट से भी माइटोकॉन्ड्रिया की मतलब कि कम क्वांटिटी में होते हैं. ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल से हैव लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, ये स्मॉल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम है, एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, इस तरह से मैं पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस. पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो किसी एक तरफ पेरिफेरी की तरफ जाता है, रखा पड़ा रहता है. ठीक है, तो प्लांट सेल में इस प्रकार एक साइड पर जो है न्यूक्लियस क्या है दिखाई दे रहा है. इसी प्रकार से एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ऑलवेज फाउंड इन द सेंटर ऑफ द सेल. सेल के सेंटर में यहाँ पे न्यूक्लियस यहाँ पे दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो न्यूक्लियस जो होता है हमेशा एनिमल सेल में सेंटर में प्रेजेंट होता है. यू नो कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस और सारा जेनेटिक प्रकार होता है, जो कि दोनों बहुत सेल में क्या होता है एनिमल और प्लांट सेल दोनों में सेम होता है. फिर इसी तरह से पाच जो है प्लास्टिड्स एनिमल प्लांट सेल है प्लास्टिड. प्लांट सेल में क्या होता है प्लास्टिड्स होते हैं. ठीक है, या जो है वर्णक होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट जो होता है एक प्रकार का प्लास्टिक है जो प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसके जो फोटोसिंथेसिस जो है कंप्लीट हो पाता है. एनिमल सेल हैव नॉट क्लोरोप्लास्ट या एनी प्लास्टिक. एनिमल सेल में प्लास्टिक या क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है. ठीक है, इसीलिए क्या होता है एनिमल सेल के नॉट प्ले द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाती है. ठीक है, ये एनिमल सेल और प्लांट सेल में नेक्स्ट डिफरेंस है पावर ऑफ एमिनो एसिड विटामिन. एमिनो एसिड्स एंड विटामिन एंजाइम्स ऑलवेज फाउंड इन द प्लांट सेल फॉर्म इन द प्लांट सेल. प्लांट सेल प्लांट सेल में अपने आप बनते हैं और एनिमल सेल में भी जो एंजाइम
एंड से विटामिन सी, वो सभी करते हैं सेमी बनते हैं। ठीक है, इस प्रकार से प्लांट्स और एनिमल्स भी करते हैं डिफरेंट होता है। ठीक है, जो कि हमको क्या करना लर्न करना है, और प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के डायग्राम जो है बोर्ड के थ्रू सेंड कर दिए जाते हैं। ठीक है, जो आपको बुक क्या करना है कॉपी में ड्रॉ करना है। ओके, तो टुडे ऑनवर्ड आपका प्लांट्स और एनिमल्स का ग्राफ डायग्राम आपको क्या करना है बनाना है। ओके, ये जो भी मैं यहाँ साइड में लिख दिया है। ओके,